अयोध्या में मंदिर बना, संसद में मोदी को धन्यवाद कहा गया। मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसे दो वाक्य कहे जिससे 2024 की पूरी पिक्चर बदल गई। फरवरी के सर्वे बता रहे हैं नरेंद्र मोदी 400 के तरफ ही जा रहे हैं और विरोधी पूरी ताकत लगा लें तब भी 150 से नीचे आ रहे हैं। मोदी ने ऐसा क्या जादू कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि अनडिसाइडेड वोटर फरवरी में ही तय कर चुका है। जो वोटर आखिरी वक्त तक पेच फंसा बैठा रहा है वो मन बना चुका है, राम मंदिर प्रस्ताव पर ही चुनाव जीत जाएंगे मोदी। अगर मन में कोई शक है, इस रिपोर्ट से 24 का पूरा मूड समझ लीजिए। राम मंदिर में कितना वोट है? क्या राम मंदिर में 370 सीट दिलाने का वोट है? अगर राम मंदिर में 370 सीट वाला वोट है तो ये वोट उस वक्त क्यों नहीं मिला जब राम रथ यात्रा निकाली गई? ये वोट उस वक्त क्यों नहीं मिला जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया? ये वोट उस वक्त क्यों नहीं मिला जब मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रखा गया? राम मंदिर में 370 सीट वाला वोट नहीं है। राम मंदिर में 19% से 22% वोट है। बीजेपी को इतना वोट तब भी मिला था जब राम मंदिर आंदोलन चला था। यह वोट तब भी मिला था जब जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था। राम वोट से लोकसभा की 160 से 182 सीटें मिलती हैं। राम वोट से नरेंद्र मोदी का 370 वाला टारगेट पूरा नहीं होता, बल्कि 200 सीटें अन्य चीजों से आती हैं। इसीलिए मोदी किसान को लाते हैं, जाट को लाते हैं, महिला और बेनिफिशियरी को लाते हैं। आज राम मंदिर को लेकर के राम सबसे बड़े फेविकॉल है। मोदी राम नाम से ही सबको जोड़ रहे हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। स्थान, काल और परिस्थिति देखकर, जगह, तारीख और समय चुनकर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने एक झटके में माहौल राममय कर दिया। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित, 24 के चुनाव का नगाड़ा बजने से पहले संसद में भी राम, विधानसभा में भी राम, मंदिर में भी राम और सड़क पर भी राम। हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तापित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा, तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। 24 के चुनाव में बीजेपी की तैयारी का लेवल ये है, चुनाव से 2 महीना पहले राम का नाम एकदम लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रहा है। संसद में मोदी और विधानसभा में योगी जब आते हैं तो जय श्री राम का नारा लगना आम हो गया है। जिन लोगों ने 22 जनवरी को राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया था उनको 10 फरवरी का ये दिन देखना पड़ा।
नरेंद्र मोदी के प्री पोल शो की ओपनिंग राम से हुई, प्री पोल शो की क्लोजिंग भी राम से हुई, बीच में मोदी ने सारी पिक्चर दिखा दी। 19 दिन पहले 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी 303 पर थे, 19 दिन बाद 10 फरवरी को मोदी 370 पर दिख रहे हैं। जैसे टीचर डस्टर लगाकर ब्लैकबोर्ड साफ करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को साफ कर दिया। जोड़ तोड़ गुणा भाग, अभी तो ये इलेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उसके पास अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई से आगे कोई बोलने वाला नहीं है। ये नेता भी जब मुंह खोलते हैं तो फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। जब भगवान राम ने रावण का निधन किया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगर कोई बड़ी लाइन खींचनी होती तो संसद में परफेक्ट मौका था। राहुल संसद में आ सकते थे, उनकी न्याय यात्रा वैसे भी रुकी हुई है, राहुल ब्रेक पर हैं। वो लोकसभा में होते तो कांग्रेस का पक्ष रखते, लेकिन राहुल नहीं आए। संसद में कांग्रेस की सीटें खाली रहीं, सोनिया गांधी लोकसभा में जरूर बैठी रहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी के बाकी सियासी शत्रु सीन से गायब हैं। उनकी आत्मा जहां भी होगी, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। गौर कीजिएगा, कांग्रेस ने इस सत्र का बायकॉट नहीं किया, नरेंद्र मोदी को डिस्टर्ब नहीं किया, संसद में हल्ला नहीं किया, बस ध्यान से सुनते रहे। शायद कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की उस चेतावनी की गंभीरता समझ ली कि अगर इस बार हंगामा करोगे तो पब्लिक माफ नहीं करेगी। पहला लेयर राम का, 180 सीट से नींव बनती है। दूसरा लेयर किसान का, इससे 50 सीटें आती हैं। तीसरा लेयर जवान का, इससे 40 सीटें ऐड होती हैं। चौथा लेयर महिला का, इससे भी 30 सीटें ऐड होती हैं। ये चार लेयर मोदी को 300 तक ले जाते हैं। पांचवा लेयर बेनिफिशियरी का है, 30 सीटें जोड़कर ये वोट मोदी को 330 तक ले जाता है। छठा और टॉप लेयर मोदी लेयर है, ये प्रधानमंत्री का जादुई वोट है जो मोदी को 370 तक ले जाएगा। क्या राजनीति में जादू होता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अभी 2 महीना पहले एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जादू ही हुआ था। लोकसभा में राम मंदिर वाले प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बागपत से जाट सांसद सत्यपाल सिंह ने की, जिनको अगले चुनाव में टिकट मिलना कंफर्म नहीं है। अपने टिकट पर संकट है, लेकिन पार्टी का काम करना है। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। ठीक उसी समय राज्यसभा में बागपत के अगले संभावित सांसद जयंत चौधरी जाट और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे थे। जयंत आज सत्ता पक्ष की तरफ बैठे थे, मतलब एनडीए अलायंस में जयंत की एंट्री कंफर्म हो गई है। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं,
जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर चर्चा के दौरान सभापति ने चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। खरगे राज्यसभा के सभापति और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से ही उलझ पड़े। धनखड़ ने वहीं खरगे की क्लास लगा दी। दैट समवन शुड एप्रिशिएट भारत रत्न टू चौधरी चरण सिंह, द रूल इज इन मी, आई हैव डन इट कंसिस्टेंटली, आई रीड रूल बुक्स, डोंट यूज दिस लैंग्वेज सर, डोंट यूज दिस लैंग्वेज, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ बिल, डोंट यूज दिस लैंग्वेज, नो, आई विल नॉट टॉलरेट एन इंसल्ट टू चौधरी चरण सिंह, I will not insert Chaudhary Charan Singh. Sir, sit down. Sit down, sir. No, no. No, no, not on this. No, I will not accommodate on this. Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I read it because you virtually inserted Chaudhary Charan Singh. You inserted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh. Aaj ke din har kisan ke dil par aap chot kar rahe ho. Uske dil ko dhaka rahe ho. Chaudhary Charan jaise vyaktitva ke upar is prakar ka vatavaran house mein karna. Our head should go in shame. मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। कांग्रेस राम के नाम पर पिटी, कांग्रेस किसान के नाम पर पिटी, कांग्रेस जाट वोट के फ्रंट पर पिटी। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते। कांग्रेस के अलायंस पार्टनर छिटक गए, इसीलिए कांग्रेस छाती पीट रही है। बीजेपी तो छोड़िए, अब बीएसपी के सांसद भी कहने लगे हैं राम का विरोध छोड़िए वरना हाल और बुरा हो जाएगा। देश के जो खुशी का लहर दौड़ी, पूरे देश में जो ये महोत्सव मनाया गया, ये बहुत खुशी की बात थी। और मैं अपने साथियों से जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं कहना चाहता हूं, अरे कम से कम इस बात का तो विरोध मत करो। अगर इस बात का विरोध करते हो तो जब देश में विधानसभाओं में चुनाव होते हैं फिर क्यों मंदिरों में जाते हो, क्यों जनेऊ पहनते हैं? और बगैर मतलब की अगर बातों का विरोध करोगे, 1913 में जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ कलकत्ता में, वो देश एक और था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, वो एक देश और है। 1952 से जो शुरुआत हुई वो एक देश और था, और आज 2024 का देश और है। राहुल गांधी जिस दिन मणिपुर से चले थे उस दिन उनके साथ 28 दलों वाला गठबंधन था। राहुल बंगाल पहुंचे तो ममता छिटक गई। राहुल के बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार अलग हो गए, और अब राहुल के यूपी पहुंचने से पहले जयंत चौधरी अलग हो गए। राहुल गांधी 28 से 25 पर आ गए। इससे कांग्रेस का पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया है, खतरा 40 से भी नीचे पहुंच जाने का है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी की कोरियोग्राफी से मोदी की प्लानिंग का अंदाजा लगाइए। संसद में जयंत चौधरी, जयदीप धनखड़ और यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सबने मिलकर जाट और किसान का मुद्दा दोनों हाथों से पकड़ लिया। योगी को मालूम है कि जाट वोट हट जाने से वेस्टर्न यूपी में अखिलेश की ताकत
आधी रह गई है। अब योगी अखिलेश के चाचा शिवपाल पर डोरे डाल रहे हैं, जिससे मैनपुरी का गढ़ भी तोड़ा जा सके। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है, कोई साथ में आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा तो जानते ही थे कि इसमें क्या होने जा रहा है। यूपी में बीजेपी सचमुच 80/80 के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर चाचा ने पाला बदल लिया तो सपा के लिए मैनपुरी का गढ़ भी नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली से बड़ा घेरा बांध कर चल रहे हैं। सेंट्रल थीम हिंदू वोट की है, लेकिन उसमें जातियों को भी जोड़ा जा रहा है। राम से निषाद भी जुड़ते हैं, राम से शबरी भी जुड़ती हैं, राम उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले सेतु हैं। मोदी की पार्टी ने वक्ताओं को चुनने में इसका भी ध्यान रखा। जब कार सेवकों के ऊपर इनकी सरकार के समर्थन में रहे, इनके साथ में है, इंडिया के गठबंधन में है, क्या एक बार भी कांग्रेस ने उन कार सेवकों की छातियों से जो रक्त बहा था, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित थी, सभापति महोदय में वहां थी, क्या कभी इस कांग्रेस ने खेद प्रकट किया? संसद में राम मंदिर पर प्रस्ताव से दो काम हुए, एक तो हिंदू वोट जुड़ा, दूसरे कट्टरपंथियों की प्रतिक्रिया से ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ी। ध्रुवीकरण से भी मोदी का ही फायदा है, लेकिन ध्रुवीकरण कराने का दोष मोदी पर नहीं लगता। पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अकलियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम और राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी है और रहेगी बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद जय हिंद।